हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS नॉलेज हम में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बेरोजगारी और बेरोजगार भत्ते के विषय में बताने वाला हूँ। बेरोजगार भत्ता क्या है, इसे कैसे अप्लाई करते हैं, इसके लिए कहाँ से आवेदन होता है, कौन सी वेबसाइट से आवेदन करते हैं, कितनी धनराशि इसमें आपको मिलेगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसमें, सेवा योजन जो पोर्टल है उससे इसका क्या संबंध है, ऐसे ही कई सारे प्रश्न आपके मन में उठते होंगे। आपने पहले भी कई वीडियोस में देखी होंगी कि और बेरोजगारी भत्ता, परंतु आपको अभी तक वो प्राप्त नहीं हुआ। मैं आपको बिल्कुल सटीक और एक ऑथेंटिक और रियल तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको बेरोजगार भत्ता मिलेगा और क्या ये भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने या किसी भी गवर्नमेंट ने अभी तक ये इस पर जारी किया है या किसी को मिला है। मैं सारे प्रश्नों का आपको उत्तर दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को देखते रहें। फ्रेंड्स, इन सब प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता है जिन वैसे जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जिनके पास अभी तक आय का कोई साधन नहीं है, अर्थात वे प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब के तलाश में हैं, वे जॉब सीकर हैं अर्थात नौकरी की तलाश में हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए सरकार ने ये अवसर निकाला था कि उन्हें प्रति माह कुछ अंशदान देकर, कुछ धन देकर उनकी जो शिक्षा है और जो नौकरी ढूंढने में जो उनका आवश्यकता है इन पैसे की, उसकी भरपाई कर दी जा सके, अर्थात वो अपनी शिक्षा का सदुपयोग कर सके। तो जो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की शिक्षा ले चुके हैं परंतु अभी तक रोजगार हासिल नहीं कर सके, तो उनके लिए पोर्टल ये योजना लाई गई है। इसमें भी जो धनराशि का प्रावधान है, 1,000 से 1,500 तक रुपए की देने का प्रावधान है, इसमें मदद देने की पेशकश की गई थी। तो ये तो इसकी धनराशि। दोस्तों, जो यूपी बेरोजगारी पंजीकरण है, इस पंजीकरण को आप अगर इंटर पास हैं या आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप जो है स्वयं जो अपने मोबाइल की सहायता से या अपने लैपटॉप की सहायता से स्वयं भी इसका पंजीकरण कर सकते हैं। कैसे पंजीकरण करना है, कौन सी वेबसाइट पर जाकर करना है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस योजना का लाभ उठाने के केवल जो मूल निवासी होंगे हमारे उत्तर प्रदेश के, वही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। परंतु मैं अगर और भी कोई बाहर के राज्य के लोग इसे देख रहे हैं तो उनके लिए बताना चाहता हूँ, इसी प्रकार की वेबसाइट और राज्यों ने बना रखी है। जैसे राजस्थान ने भी ये काम कर रखा है। राजस्थान में जो है अशोक गहलोत की सरकार जो बेरोजगार भत्ता दे रही है, और मध्य प्रदेश में भी इसका पोर्टल बना हुआ है। तो जो विभिन्न विभिन्न राज्य हैं उनमें भी सेवा योजना के तहत जो है उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्रोवाइड कराया है। उत्तर प्रदेश का मैं आपको पूर्ण विवरण देने वाला हूँ कौन सी वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कि सबसे पहले तो आप इसका पंजीकरण कभी भी कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं, कोई इसकी अंतिम तिथि नहीं होती है। ठीक, ये इस पोर्टल पर आपको प्राइवेट, सरकारी विभिन्न विभिन्न प्रकार की नौकरियों के बारे में पता चलता है और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है। आप अपने घर बैठे ही मोबाइल से या लैपटॉप से भी ये आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक सुविधा ये मिलती है आपको कि आपको आपके मोबाइल पर ईमेल के माध्यम से नौकरी की सूचना पहुंचा दी जाती है। अगर कहीं भी किसी विभाग में प्राइवेट या सरकारी जॉब निकलती है तो उसके विषय में आपको इसकी योजना पहुंचा दी जाती है, इसकी सूचना आप तक पहुंच जाती है। इसमें जो आवेदन करने के लिए कम से कम जो आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 21 से 35 वर्ष की आयु के बीच में इसमें आवेदन, और आप कम से कम हाई स्कूल पास होने चाहिए, ये इसके लिए इसके जो मापदंड है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि यूपी बेरोजगार भत्ता स्कीम 2020 के बारे में, इसके लिए आपको क्या क्या आवेदन के दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको आधार कार्ड, पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र की जगह आप जो आपकी हाई स्कूल की जो सर्टिफिकेट होता है वो भी चल जाता है, और आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब। इसमें ऑनलाइन आवेदन करना बड़ा ही सरल है, बिकॉज इसमें एक भी कोई चीज़ अपलोड नहीं करनी, केवल एक फोटो अपलोड होता है, बाकी सब आपको फिल ही अपना फिल करना है। तो फिल आप अपने मोबाइल के माध्यम से अपनी डिटेल्स कर सकते हैं। इसमें आपको टाइम लग सकता है परंतु सरल है। आप इसमें कई स्टेप हैं, लगभग 8 स्टेप हैं इसमें जो आपको फिल करने होते हैं, और फोटो बस अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए और डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। इसके आधिकारिक वेबसाइट ये है। अब मैं आपको इसकी वेबसाइट पर लेकर जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप इसके कैसे मैन्युअली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश या रोजगार सेक्शन। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इस प्रकार की पहले भी कई वीडियो देख रखी होंगी, उसमें आपको लगता होगा कि सब यहीं पर रजिस्ट्रेशन करा देते हैं परंतु यहाँ से रोजगार भत्ता कोई रिलेटेड नहीं है। इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप इसे ध्यान से सुन लीजिएगा, चाहे आप बाद में वीडियो देखें मत देखें, परंतु ये बात सुन लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहीं पर आपको सारे प्रश्न के जवाब मिलने वाले हैं। देखिए,
भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार, कोई भी गवर्नमेंट सरकार है, वो किसी भी योजना का जो लाभ देती है वो पंजीकृत लोगों को देती है। अभी मैं इसके लिए आपको उदाहरण बताने वाला हूँ। जो देखिए, सबसे पहले आया था उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में कहीं भी ऑनलाइन नहीं होता है, उस पर भी 1000 वीडियो बनी हुई मिलेंगी आपको यूट्यूब पे कि उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते आप उसमें। उसमें भी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, गवर्नमेंट के पास जो डाटा है उस डाटा के, चाहे उन्होंने राशन कार्ड का डाटा उठाया हो, चाहे पहले कभी कोई रजिस्ट्रेशन कराया, उस डाटा के आधार पर उन्होंने पता निकाला है कि कौन, चाहे वो जनसंख्या का जो रजिस्टर्ड होता है उसे चेक करते हो तो कि कौन कौन लोग गरीब हैं, किसी किसी किसे सिलेंडर मिलना चाहिए, तो वो लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला। इसी प्रकार से आप आयुष्मान कार्ड में भी आप कहीं आवेदन नहीं कर सकते कि हाँ मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं आया तो मैं आवेदन कर दूं, नहीं कर सकते। उसे भी गवर्नमेंट ने एक लिस्ट तैयार करी है अपने डाटा के अनुसार कि किन किन लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। जो लिस्ट में नाम आया है उन लोगों ने फिर उसके लिए अप्लाई किया कार्ड बनाने के लिए। आप अगर उसमें लिस्ट में नाम नहीं तो आप नहीं। अब लिस्ट में नाम कैसा है तो बहुत लोग इस पर फेक वीडियो बना देते हैं कि लिस्ट में नाम ऐसा आएगा, हाँ ऑनलाइन करो, कहीं ऑनलाइन नहीं होने वाला। ऐसे ही श्रमिक पंजीकरण था। अभी भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1-1 हजार रुपये 11 लाख मजदूरों को दिए हैं। उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं। तो वहां पर भी क्या है, उसके लिए क्या था कि ये बोल रहे हैं कि मजदूर तो बहुत हैं आसपास में, किसी के अकाउंट में नहीं आए, परंतु आए भी हैं उनके अकाउंट में आए हैं जो पंजीकृत सरकार के पास पोर्टल पर पहले से थे। ऐसे सरकार ने पोर्टल बना रखे हैं, इन पोर्टल पर जो भी पंजीकृत लोग हैं, सरकार समय आने पर विभिन्न योजनाएं निकाल कर उन सदस्यों को लेती हैं और उन्हें उनको लाभ पहुंचाती हैं। तो ऐसे ही श्रमिक पंजीकरण में होता, श्रमिक पंजीकरण में कोई भी वैसा लाभ नहीं मिलता, परंतु उनका रजिस्टर्ड था तो आज लॉकडाउन में सरकार ने ऐसी योजना निकाली, डायरेक्ट उनके खाते में 1-1 हजार रुपये डाल दिया। मजदूर तो अभी बहुत सारे रह गए परंतु वे रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर आप 20 तरीके से काम से जुड़े हैं तो आप वो वाली वीडियो मेरी देख लीजिएगा, वहां से अपना वो मजदूर पंजीकरण भी कर लीजिएगा, श्रमिक पंजीकरण। अब मैं बताता हूँ इस वेबसाइट के बारे में। तो ये जो है सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश का, ये इसका जो उद्देश्य है केवल अभी फिलहाल के लिए केवल इतना उद्देश्य है कि जो बेरोजगार लोग हो वो यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने वो नौकरी की तलाश कर सकते हैं। अर्थात यहाँ से आपको जो इम्प्लॉयमेंट की न्यूज आपके पास जाती रहेंगी, आप प्राइवेट सरकारी सभी प्रकार की नौकरियों के बारे में यहाँ संपर्क होता रहेगा। आपका रोजगार मेला लगता है हर बार डिस्ट्रिक्ट में, आप वहाँ जाकर के अपने रिज्यूम सबमिट कर सकते हैं और आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। और बहुत से कई हजार कई करोड़ लोगों को ही रोजगार प्रोवाइड कराते हैं पोर्टल के माध्यम से। परंतु अब इसमें बेरोजगार भत्ते की बात, बेरोजगार भत्ते के बाद में आपको मैं स्पष्ट बताया, तो बेरोजगार भत्ते ने सरकार ने एक योजना निकाली है परंतु उसका इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अर्थात अभी किसी भी अकाउंट में बेरोजगार भत्ते के पैसे नहीं गए हैं, कोई भी रुपया भी नहीं गया। परंतु योगी सरकार की बिल्कुल वो योजना तैयार है, लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के बीच में भी जो बेरोजगार भत्ता कभी भी आपका अकाउंट में पैसे ट्रांसफर आ सकती है, कोई लिस्ट जारी कर सकती है सरकार की, ये लिस्ट है इसमें जिन जिन का नाम है उन्हें पहुंचाया जाए। अब वो लिस्ट कहाँ से बनेगी, वो जो बेरोजगार कैसे पता चलेगा कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो कहाँ हैं, तो शिक्षित बेरोजगार आप भले से कहीं भी हो, जो इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं वही सरकार की नज़रों में बेरोजगार हैं। सरकार जो है उन्हें पहले से जो लाभ देगी उस भत्ते का जो इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। तो सबसे पहला आपका कर्तव्य बनता है, आप इस रोजगार जंक्शन के जो पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद सरकार की योजना जो बेरोजगार भत्ते की 1000 से 1500 रुपये देने की है, वो सरकार चाहे तो अगले महीने, उससे अगले महीने या एक साल बाद या जब चुनाव आएंगे तब उस पर किसी भी समय इसका वो दे सकती है। तो उस समय आपसे आवेदन नहीं मांगे जाएंगे कि सब फार्म भर दो, अगर सरकार ऐसा आवेदन मांगने लगे तो पूरे जो है कई करोड़ फार्म भरे जाएंगे। तो सरकार केवल उन्हीं को जो पंजीकृत होते हैं, जो रजिस्टर्ड है सरकार के पास पोर्टल पे, जिन्हें हाँ नौकरी की आवश्यकता है, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर रखा है, सरकार यहाँ से डाटा उठाएगी और डाटा के अपने अनुरूप उसका इंप्लीमेंट करके ही योजना का लाभ आपको मिलने वाला है। तो ये हमारी आशंका है कि पीछे की जो एग्जाम्पल देखे, ये मैं ऑथेंटिक जो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं बता रहा हूँ, परंतु मैंने अभी तक का जो मेरा विश्लेषण रहा है और जाली योजनाओं पर उनके आधार मानकर मैं ये आपको बात बता रहा हूँ। तो आप सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर्ड कर लीजिए, बहुत ही आसान है, आप मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस मोबाइल के इस पोर्टल पर कैसे जाएंगे। तो आप गूगल में सबसे पहले डालेंगे सेवा योजना, आप सेवा योजना मैं बताता हूँ एक बार, आपको गूगल में जाएंगे, यहां डालेंगे सेवा योजना, इसका पहला लिंक है यहां पर आप क्लिक कर देंगे और इसका जो मुख्य पृष्ठ आपके सामने होगा, इसमें आपको क्या करना है, जहां पंजीकरण है आप इसमें कई सारे ऑप्शन देख रहे हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, संपर्क सूत्र, आप जाएंगे केवल पंजीकरण में, आपको यहां पंजीकरण करना है, पंजीकरण पर क्लिक कर देंगे।
क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। आप जॉब सीकर हैं, नियोजक, नियोजक बोलते हैं जो नौकरी देने वाले हैं, वो भी इस पर रजिस्टर करते हैं जो नौकरी देने वाले, चाहे प्राइवेट सेक्टर के जो लोग होते हैं जिनकी कंपनी बड़ी, तो यहाँ रजिस्टर करते हैं। परंतु आप जॉब सीकर हैं, आप नौकरी की तलाश में, तो जॉब सीकर पर रहने दीजिएगा। अपना यहाँ नाम डालना है आपको, मोबाइल नंबर डालना है, और एक आपको यूजर आईडी, तो यूजर आईडी आपका मोबाइल नंबर ही होगा, जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे वही आपकी यूजर आईडी बन जाएगी ऑटोमेटिक। पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा, पासवर्ड की जो इसमें ये दी गई है इसके अनुरूपी आपको बनाना पड़ेगा, आपको एक स्पेशल करेक्टर लेना पड़ेगा एक, और उसके नंबर भी लेने पड़ेंगे, अल्फाबेट भी लेने पड़ेंगे, तब जाकर आप एक पासवर्ड बना सकते हैं। तो पासवर्ड बनाने के बाद आपको पासवर्ड डाल देना है, फिर एक अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, आपके पास एक ओटीपी जाएगा मोबाइल पे, वो ओटीपी आप यहाँ डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद की प्रक्रिया क्या है मैं बताता हूँ आप। जब आप इस पर ओटीपी डालकर रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद आपको पुनः वेबसाइट पर आना है, और ऊपर लिख रहा है इस पर लॉग इन, यहाँ आप देख रहे हैं लॉग इन, इस लॉग इन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जॉब सीकर करेंगे, जो आपने यूजर आईडी बनाई थी अर्थात अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिल करेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया था वो यहाँ फिल करेंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद आप प्रवेश करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें आपके पास इस तरीके से वेबसाइट ये इंटरफेस खुलेगा, ये इस तरीके से आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा। 8 स्टेप होते हैं, 9 में आपको केवल घोषणा करनी है कि हाँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना नाम और पिता का नाम, जन्मतिथि, जो आवासीय पता है आपका वो, और जो शिक्षा का प्रकार है यानी कि आपने क्या कर रखा है, हाईएस्ट एजुकेशन आपको यहाँ डालनी है पहले स्टेप में। तो है इसमें इस तरीके का इंटरफेस आपको सामने आएगा, उसमें ये भर देनी है आपको, बहुत ही सरल फॉर्म है। और जब आप ये सारे स्टेप कर लेंगे कंप्लीट, तो कंप्लीट करने के बाद अंतिम स्टेप में आपको ये घोषणा में ये आएगा कि व्यक्तिगत सूचना आपके द्वारा भर दी गई है, संपर्क सूत्र आपने भर दिया है, अपना सारे जो शारीरिक में आपकी लंबाई कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, आपके अंदर वजन कितना है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब जिसमें पूछा जाता है ये आपने फिल कर दिया है। अपनी शैक्षिक योग्यताएं आपने दे दी है कि आपने हाई स्कूल किया, कहाँ से किया, कौन से बोर्ड से किया, ये सब इसमें आपको देना पड़ेगा। आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी आप जानते हैं, तो उस भाषा को आप यहाँ दे सकते हैं। और जो अन्य कौशल हैं, आपने कोई टेक्निकल कोर्स किया है, आईटीआई किया है, या आपने डिप्लोमा लिया हुआ है किसी चीज़ का, या आपसे कोई भी वाहन चलाना आता है, या ड्राइवर हैं, किसी भी प्रकार का कोई कौशल आपके पास है, स्किल है आपके पास, तो उसे भी आप फिल कर सकते हैं यहाँ पर। नौकरी की वरीयता या आपको बताना पड़ेगा आप किस क्षेत्र की नौकरी चाहते हैं, कितनी सैलरी आप चाहते हैं, कहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं, देश में करना चाहते हैं या राज्य में करना चाहते हैं या अपने शहर के आसपास ही, तो ये सभी नौकरी की वरीयता आपको यहाँ देनी होगी। उसके बाद आपके सत्यापन के लिए घोषणा पत्र आएगा, आपको वहाँ पर एक प्रिंट फाइल करनी होगी, इससे आपका रजिस्टर हो जाएगा, और इसका एक्सरे रिपोर्ट आपको अपने पास रख लेनी है, तो एक्सरे रिपोर्ट आप अपने पास रख लेंगे और ये आपका पंजीकरण जो कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आपका कभी इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा अर्थात आपके पास कॉल आएगी, आपको इसमें समय समय पर आकर के जैसे विभिन्न प्रकार की जॉब निकलती रहती है, तो आपको यहाँ से आवेदन करना है। आवेदन में आपको कुछ फिल नहीं करना, केवल आवेदन पर क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन हो जाएगा, और उसके बाद आपको वहाँ से कॉल या ईमेल आएगी, तो आप वहाँ पर जाकर अपना इंटरव्यू देंगे। तो ये तो इसका प्रोसेसर है, यह है पूरी फाइल जो इसका यूजर मैनुअल है, ये मैं आपको जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे देख करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपको उसके बाद भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या हमारे संपर्क सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगा, आप वहाँ से भी हम पर संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। तो ये था इसका रोजगार पंजीकरण। फ्रेंड्स, मैं लास्ट में एक बात और बताना चाहता हूँ जाते जाते कि बेरोजगार भत्ता से संबंधित जो भी सूचनाएँ आएंगी इसी पोर्टल पर आएंगी, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। जैसे ही सरकार बेरोजगार भत्ता की स्कीम का इम्प्लीमेंट करेगी, तो आपके यहाँ पर जितना भी डाटा होगा, जितने भी लोग रजिस्टर्ड होंगे, उन्हीं सेवा का लाभ मिलने वाला है। तो आप ये यहाँ पर अपना सेवा योजना .up.nic.in पर टाइप करवे और इस पर अपना पंजीकरण कर लीजिए, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि इससे रिलेटेड कोई भी सूचना मेरे पास तक आती है या मुझे कोई भी सूचना का पता चलता है कि बेरोजगार भत्ता इम्प्लीमेंट होने वाला है, या उसकी उसके लिए फॉर्म आए हैं, या लिस्ट में से आपको ये डाटा सफल है, फ्रेंड्स यदि मेरे पास कोई इस तरीके की सूचना आती है कि बेरोजगार भत्ता के फॉर्म भरे जा रहे हैं, या इसमें किसी तरीके का इसी वेबसाइट पर कोई लिंक आया है, या उसके संबंधित कोई भी न्यूज़ मेरे पास आएगी, मैं तुरंत एकदम वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। फ्रेंड्स, मैं इस प्रकार की जो विभिन्न विभिन्न तरीके की वीडियो हैं जो इस समय आपके लिए जरूरी है, मैं वीडियो बना रहा हूँ निरंतर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ आप हमारा चैनल कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आप जो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में MS नॉलेज हब टाइप करेंगे, और टाइप करने के बाद आपको यहाँ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, आप यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी विभिन्न प्रकार की वीडियो हैं आप वो देख सकते हैं। हमने इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड, और जितने भी जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा शिक्षित वीडियो हैं वो बनाते रहता हूँ,
और साथ ही साथ हम जो मैं ट्रिपल सी के भी यहाँ भीतर से वीडियो बनाएगी, जो ट्रिपल सी के एग्जाम में दे रहे हैं वो भी यहाँ से अपने इसका वीडियो देख सकते हैं। और जो करंट टॉपिक चल रहे हैं मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अनुरूप मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर विभिन्न प्रकार की वीडियो का आनंद ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।